नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, अभी एमटीएस का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है तो उसके बाद करीबन 1 लाख से ज्यादा लोग देने जा रहे हैं आपका टियर 2 मेंस एग्जाम। अब उसमें आएगा या तो एसे या फिर लेटर। लेटर के बारे में अजीत जी बता रहे हैं काफी सारी बातें, आपको 3-4 वीडियो बना चुके हैं वो इस पे। इसमें मैं आपको एसे लिखना बताता हूँ कि कैसे आप 200 वर्ड के आसपास अपने एसे को पूरा लिख दें, जो निबंध होता है। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी है कि एक हमारा ये ग्रुप है, मैंने ये बनाया है। आप लोग एसे और लेटर जो भी लिखते हैं वो यहाँ पे ग्रुप में आप लोग आपस में चैट करके और एक दूसरे का एसे चेक कर सकते हैं। बीच बीच में मैं भी आपको इनपुट दे सकता हूँ इसमें कि एसे कैसे लिखना है। सभी आंसर तो नहीं चेक कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, इसका नाम है ग्रुप का SSC ज्ञान, ठीक है? इसका SSC ज्ञान नाम है और यही इसकी लिंक है, t.me/SSC ज्ञान, ठीक है? इसमें आप अपना एसे और जो लेटर आप लिख रहे हैं उसको आप इसमें अपलोड करिए और आपस में एक दूसरे से डिस्कस करिए। बीच बीच में मैं आपको मेन पॉइंट बताता रहूंगा। तो एक ग्रुप है, इसमें कोई भी पोस्ट कर सकता है। अभी तक मैंने आपको चैनल के बारे में बताया था सिर्फ, जिसमें सिर्फ मैं पोस्ट करता था और आप लोग उसमें कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। इसमें आप लोग भी कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है? इसको ज्वाइन कर लीजिएगा पहले। और चलिए अब हम देखते हैं एसे। देखिए, एसे राइटिंग आपको करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अब यहाँ पे है आपको 200 वर्ड के आसपास लिखना है एसे SSC MTS Tier 2 के लिए। ये बाकी जो SSC के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ऐसे राइटिंग में यूज हो सकता है, या फिर इवन IBPS और जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं वहां भी ये सब चीजें यूज हो सकती हैं। मेन चीज अगर आप समझिए ऐसे राइटिंग का मतलब क्या है, ऐसे राइटिंग के मतलब ये है कि वो आपको जानना चाहते हैं जो एग्जामिनर है कि आपको पता कितना है, कि आपको फैक्ट्स पता है कि नहीं, आपको क्या क्या चीजें पती हैं, आप क्या क्या चीजें आपको पता है और कैसे कैसे आप सोचते हो। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आप कुछ स्लोगन भी लिख सकते हैं, ठीक है? और प्लस इसमें फैक्ट्स भी लिख सकते हैं कोई भी। जैसे आजकल मैंने देखा है कुछ लोगों ने वीडियो डाले हैं, उसमें ऐसे अपनी बनाए हुए कुछ श्लोक या फिर ऐसे कविताएं टाइप की, मेरे हिसाब से तो नहीं लिखना चाहिए कोई। जैसे गवर्नमेंट की अगर मान लीजिए स्कीम है, जैसे हम लोग इसमें पूरा डिस्कस करेंगे जनधन योजना का, मैं एक सैंपल ऐसे आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं, वो सभी बातें बताएंगे। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन करिए। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें जो जो पर्पज़ है उस एसे का, मान लीजिए जनधन योजना है तो पर्पज़ यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश है इसका यहाँ पे पर्पज़, तो वो बिल्कुल क्लियर हो। प्लस उसके फैक्ट्स क्लियर हो कि किस डेट को हुआ है वो, प्लस उससे रिलेटेड और फैक्ट्स हो कि क्या 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 चीज़ों के लिए किया है। जैसे यहाँ पे एक बैंकिंग खाता देना है आपको, इंश्योरेंस देना है, तो ये सभी चीज़ें, क्रेडिट देना, ये सब बातें। अब उसके बीच में अगर आप जो लिखेंगे पैराग्राफ, तो वहाँ पे प्रोज और कॉन्स होने चाहिए कि क्या क्या इससे बेनिफिट हुआ है लोगों को, एग्जैक्टली क्या क्या बेनिफिट हुआ है, क्या क्या इसके लिए चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या वे फॉरवर्ड है। अब देखिए, आपका जो ओपिनियन है वो वे फॉरवर्ड में ही आ सकता है, और ऐसा कुछ नहीं होता है कि हर चीज़ में आपको सजेस्ट ही करना है कि नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ लास्ट में, ऐसा नहीं होता है। वे फॉरवर्ड का मतलब है कि गवर्नमेंट को आप क्या सोचते हैं करना चाहिए, ये है वे फॉरवर्ड। अब देखिए, एक ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पे जनधन योजना का, हालांकि मैंने ये इंग्लिश में लिखा है, आप लोग इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके ऐसे ही वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? 200 वर्ड का मैंने करीबन लिखा है। देखिए, मैंने लिखा है पहले PMJ जनधन योजना, तो ये एक एक बॉक्स में आ जाएगा क्योंकि बॉक्स में लिखना है आपको, तो ये वाला पूरा एक बॉक्स में आ जाएगा। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, किस लिए? अब देखिए, मैंने एग्जैक्टली ये लिखा है, टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि आपको बैंकिंग भी फैसिलिटी मिल जाए, इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल जाए, आपको क्रेडिट वाली फैसिलिटी मिल जाए, मतलब लोन वोन लेने वाली, ठीक है? तो ये मैंने लिखा है कि देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन सो दैट वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक ट्रांजेक्शंस, पेमेंट, सेविंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस और बैंकिंग, ये किसके लिए एक्सेसिबल हो? इंडिविजुअल और बिजनेस के लिए। अब देखिए, ये एक स्टेटमेंट ने कितनी सारी बातें बता दी। इस ऐसे में ये भी बता दिया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इस ऐसे ने ये भी बता दिया इसका पर्पज क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका पर्पज है। इस ऐसे ने ये भी बता दिया इस लाइन ने मतलब कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। तो देखिए, मैंने लिखा है वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे ट्रांजेक्शन, पेमेंट, सेविंग, ये सब। अब देखिए, इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं, मान लीजिए आपको आधा घंटा मिला है अगर, तो कम से कम 5 मिनट आप ये सोचिए कि कीवर्ड्स निकालिए, कि जैसे पीएम जनधन योजना पे आपको लिखना है ऐसे, ठीक है? अब वो जनधन योजना के लिए एक रफ नोट्स में आप बनाइएगा कि क्या क्या आपके कीवर्ड्स हैं। आपको ये यूज करना है कि ये किस डेट को पहली बात तो स्टार्ट हुआ, ठीक है? दूसरी बात, इसका पर्पस क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या मतलब क्या है, वो भी आपको इसमें इंसर्ट करना है कहीं से भी। उसके बाद फिर इसके बेनिफिट्स क्या क्या है,
और इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, और अभी तक अगर मान लीजिए कोई इससे रिलेटेड स्पेशल फैक्ट है, जैसे इसने पहले दिन ही 1.5 करोड़ खाते खोल दिए थे, और दूसरी बात इसका स्लोगन क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता, तो वो मैंने इसमें लिखना भूल गया हूँ, लेकिन वो भी आप लिखिएगा, ठीक है। तो वो भी यहीं पे कहीं इंक्लूड कर दीजिएगा। अब देखिए पहली लाइन मैंने लिख दी, फिर मैंने देखिए लिखा है इसमें फैक्ट कि इट वॉज लॉन्च ऑन 28 अगस्त 2014, इस दिन को ये स्टार्ट हुआ था, और इनॉग्रेशन डे में ही 1.5 करोड़ अकाउंट ओपन किए गए थे। अब यहीं पे आप ये देखिए, ये गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, यहीं पे आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका स्लोगन था मेरा खाता भाग्य विधाता। तो यहाँ पे ये वाली लाइन भी आप लिख दीजिएगा, ये मुझसे मिस हो गई। फिर इसमें देखिए क्या लिखा है मैंने कि बेसिक टारगेट इसका क्या था, बेसिक टारगेट था इसका जितने भी हाउस होल्ड हैं उनको कम से कम एक बेसिक बैंक अकाउंट देना, और उस टाइम पे कितना था, करीबन वो 75 मिलियन था उस टाइम से, 7.5 करोड़ का उस टाइम का टारगेट था जब ये स्टार्ट हुआ था, आज की डेट में तो 30 करोड़ ज्यादा अकाउंट हो गए हैं। और विद देखिए मैंने एग्जैक्टली इंग्लिश को ऐसे लिखा है कि मतलब वो पूरे सेंटेंस में सब कुछ आ गया है कि विद डेबिट कार्ड और ये आपका इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और प्लस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आप हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, देखिए अब यहाँ पे बेनिफिट आ गए, इट विल हेल्प टू रिड्यूस करप्शन, भ्रष्टाचार मिटाएगा, रिड्यूस मिडिलमैन जो बिचौलिए हैं उनको घटाएगा, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा, इम्पावर पुअर पीपल, देखिए ये वाले सेंटेंस में कितनी सारी बातें मैंने बता दी हैं, इम्पावर पुअर पीपल और वुमेन, महिलाओं पे विशेष, महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा, सशक्तिकरण होगा, प्रोवाइड माइक्रो इंश्योरेंस टू पीपल, ठीक है, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ही वही था, और पेंशन टू अनऑर्गेनाइज पीपल, तो ये वाला हो गया आपका। फिर उसके बाद है कि अब देखिए ये मैंने बता दिया बीच में, ये हो गया आपके बेनिफिट। अचीवमेंट क्या क्या है, अचीवमेंट है कि करीबन 300 मिलियन अकाउंट, 30 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट ओपन हो चुके हैं, 74,000 से ज़्यादा मनी डिपॉजिट हो चुकी है, और जो किसान लोग थे जैसे मनी रेंडर से वो सब लोन वोन लेते थे वो उसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं। अब देखिए लास्ट में मैंने कौन सी वाली चीज़ बता दी कि इनएक्टिव अकाउंट है बहुत सारे। अब देखिए ये यहाँ पे मैंने इतना छोटा छोटा लिखा है क्योंकि ये कीवर्ड्स है, मतलब आप ये बात समझिए कि जब आपको 200 वर्ड में बताना है, हालांकि जनधन योजना में अगर आप चाहें तो 1,000-2,000 वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन अब उतने बड़े ऐसे को 200 वर्ड में कॉम्पैक्ट करना है तो इसीलिए आपको कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है कि जो मेन मेन वर्ड होते हैं, कि जैसे इनएक्टिव अकाउंट, अब इसी लाइन को आप ये भी लिख सकते थे कि जनधन योजना में बहुत सारे इनएक्टिव अकाउंट हैं, उतनी बड़ी लाइन लिखने से अच्छा है कि आप ये लिख दो इनएक्टिव अकाउंट, ठीक है। तो फिर हिडन क्लॉजेस, क्योंकि हिडन क्लॉजेस है इसमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ठीक है, लो कमीशन मिलता है इनमें जो बैंक करेस्पॉन्डेंट है। अब यही ये सब जो कीवर्ड मैंने लिखे हैं इसमें, ये सब पे दो दो लाइन लिखी जा सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे सब एक ही लाइन में पूरा लिख दिया है। फिर लेस फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है ज़्यादातर लोगों को, इनकैपेबल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये वाली जैसे डेबिट कार्ड, ये एटीएम मशीन खराब रहती है, लोगों को पता नहीं है, बैंकिंग इतनी रीच नहीं अभी तक हो पाई है, पुअर की बहुत सारी समस्याएं हैं, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड टू फोकस, ये समझ रहे हैं। लास्ट में मैंने मतलब ये एक अपना ही सजेशन दे दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये फोकस करना है, फोकस भी हो गया, चैलेंजेस भी हो गए और बेनिफिट भी हो गए, अचीवमेंट भी हो गए और फैक्ट्स भी हो गए। तो ये वाला है जनधन योजना वाला, ऐसे ये मैंने अभी आपके लिए लिखा है। हालांकि कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि यार ये तो यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस और इन सब टाइप का लेवल का हो गया, लेकिन ऐसा है कि भाई साहब अगर आप कोई ये 4, 5, 6 टॉपिक आप कर लो, अगर आप बोलेंगे कमेंट करके कि मैं आपको ये सजेस्ट कर दूं कि किस किस टॉपिक पे आपको फैक्ट चेक वाली चीज़ें बता दूं, तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि उस मतलब टॉप 10, आपको टॉप 10, 15 में टॉपिक बता सकता हूँ कि वहाँ पर आप ये पॉइंट दो, बल्कि आप बोलोगे तो मैं पॉइंट भी दे दूंगा उसमें, ठीक है, कि क्या क्या आपको लिखना है। तो एग्जैक्टली समझ में आ गई बात, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसमें फैक्ट्स इंक्लूड करने हैं, और बेसिक फोकस कहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शब्द लिमिट कम है, तो बेसिक फोकस रहना चाहिए आपको कीवर्ड्स पे, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, बेनिफिट क्या है, अचीवमेंट क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड भी आपको अपने टर्म में लिखना है लास्ट में एक दो लाइन में, मतलब स्टार्टिंग इसकी ऐसे ही होनी चाहिए कि आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कर दीजिए, कोई इसकी स्लोगन लाइन है या फिर टैग लाइन है, जैसे इसमें स्लोगन लाइन क्या थी, मेरा खाता भाग्य विधाता, बीच में फैक्ट्स, फैक्ट्स में आ जाएगा बेनिफिट, प्रोज कॉन्स, अचीवमेंट और लास्ट में चैलेंजेस और क्या वे होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला एक हो गया आपका ऐसे, अगर आपको और भी टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर और भी ऐसे आपको कवर कर दूंगा। इस वाले वीडियो के रिस्पॉन्स पे ये डिपेंड करेगा कि आगे वीडियो मुझे बनाना है ऐसे कि नहीं, तो मैं बस जितना ज़्यादा टाइम नहीं रहता एक्चुअली। अजीत जी ने काफ़ी दिन से मुझे बोला था कि ऐसे राइटिंग के लिए काफ़ी लोग बोल रहे हैं, अजीत जी
का खुद भी सिलेक्शन हुआ है टीयर वन में, तो इसीलिए अजीत जी के लिए भी स्पेशली बनाया गया है ये, ठीक है, और बाकी जो भी हमारे भाई बहन हैं उनके लिए। तो ये वाला आप कर लीजिए, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको ग्रुप में दिए दे रहा हूँ, ये वाला ग्रुप है हमारा, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये ग्रुप है देखिए एसएससी ज्ञान, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप टेलीग्राम में अगर ज्वाइन है तो ऑलरेडी @SSCGyan डालेंगे तो ये ग्रुप आ जाएगा, पब्लिक ग्रुप है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ये वाली पीडीएफ भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, और प्लस आपको और भी कई सारे जो मतलब टॉप 10 अगर आपको चाहिए ऐसे के कि किस किस टॉपिक पे आपके आ सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और प्लस उससे रिलेटेड ऐसे ही छोटा छोटा एक पेपर में लिख के मैं आपको कर सकता हूँ अगर अच्छा डिमांड आया, अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।